अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द सेशन फॉर गिग क्रिएशन लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रोफेशनल सेलर प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है फ़ाइबर के ऊपर एंड बिकॉज़ फाइबर हमें uh, जब एक सेलर अकाउंट प्रोवाइड करता है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है विच इज़ गिग क्रिएशन तो हमें तब तक आपका uh, जो सेलर अकाउंट नहीं मिल सकता जब तक हम लोग अपनी फर्स्ट गिग ना लगा लें ओके okay. सो so, अभी तक हमने अपने निश टारगेट जो है वो सेलेक्ट कर लिया अपनी कैटेगरी चूज़ कर ली कैटेगरी चूज़ करने के बाद अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली उनको सब कैटेगरीज़ को चूज कर लिया मतलब हमारे पास ओवरऑल डाटा हो चुका है या बन चुका है डाटा कि जिसके अंदर हमने अपनी जो सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है फाइबर के ऊपर अब इसका जो सेकेंड हमारे पास जो प्रोसेस है विच इज़ गिग क्रिएशन तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने गिग के बारे में थोड़ा सा पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग प्रॉपरली गिग की बात कर रहे हैं तो गिग जो है उसके बारे में एक दफा फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अच्छा उसमें सबसे पहले हमारे पास जब आपने गिग क्रिएट करनी है तो उसके डेफिनेटली आप उसके बारे में सर्च करेंगे बिकॉज़ Uh, यहाँ पर जब तक आप सर्च नहीं करेंगे फाइबर मार्केट के अंदर के लोगों जो यहाँ पर जो लोग सेलिंग कर रहे हैं जो पहले से uh, सेलर यहाँ पर आके फाइबर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी गिग्स कैसी हैं वो क्या क्या काम करते हैं और उनके पास कौन कौन से फ़ीचर है जिनके बेसिस पर वो अपनी सेलिंग कर रहे हैं तो इसका एक मेथड है या तो आप क्या करें कि अपना मार्केट को एक्सप्लोर करें कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली या फिर आप अपना जो है कीवर्ड ऐड कर दें कीवर्ड के बारे में मैं भी डिस्कस uh, करता हूँ बिकॉज कीवर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पूरे फाइवर के अंदर जो है वो कीवर्ड के बेस पे ही पूरा फाइवर वर्क करता है आपके अकाउंट आपका प्रोफाइल आपकी गिग जितने भी ईच एंड एवरीथिंग कीवर्ड के बेस पे वर्क करती है ओके okay, तो लेट से अभी हम लोग यहाँ पर कोई एक गिग uh, ले लेते हैं और लेट uh, से हमारे पास कोई भी एक uh, एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई एक कैटेगरी चूज़ करें बिकॉज इट्स जनरल गिग बिकॉज मैं किसी भी टारे ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे मैं एक जनरल गिग के बारे में बताऊँगा कि कैसे एक जनरल गिग क्रिएट की जाती है बेशक आप डिज़ाइनर हैं डिवेलपर हैं राइटर हैं या किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप काम करते हैं तो आप जो है वो ईज़ीली जो है इसको गिग को क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज हमें मेथड पता होना ज़रूरी है और मेथड अगर हमें पता चल जाएगा तो हम लोग किसी भी निश के अकॉर्डिंग या किसी भी, भी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हम लोग अच्छी सी गिग रेडी कर सक ओके सो मैं एक जनरल जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ विच इज़ बैनर एड्स बिकॉज़ फेसबुक के इंस्टाग्राम के या कुछ इस तरह के बैनर्स या लोग अपने जो हैडर्स वगैरह बनवाते हैं कोई एड्स के लिए वट एवर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो मैं उसके बारे में एक सर्च करूँ जस्ट टू यू शो यू सम गिग्स कि गिग्स कैसी होती हैं ओके okay. सो so, ये गिग्स हैं हमारे पास जैसे कि हम ऑलरेडी हमें पता है कि गिग्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास डिस्प्ले होती है वो होती है आपकी पिक्चर तो गिग जब आपने क्रिएट करनी है तो आपने अपनी पिक्चर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है मैं एक एक मॉड्यूल को ज़रूर डिस्कस करूँगा बिफोर क्रिएटिंग एक्चुअल गिग ताकि हम लोग उसके ऊपर वर्क कर सकें तो अभी जो हम लोग यहाँ पे सामने रिजल्ट देख रहे हैं ये आपका एक बैनर एड से रिलेटेड है तो टोटल गिग्स यहाँ पे हमारे पास थ्री जीरो सेवन है इसका मतलब यहाँ पे इस टाइम पे कंपटीशन कम है अगेन मैंने आपको बताया था कि गिग क्रिएट करने से पहले आपने कंपटीशन को ज़रूर देखना है और सर्विस ऑप्शंस को ज़रूर देखना है अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक बैनर है और यहाँ पे एनिमेटेड बैनर है तो इसका मतलब दो टाइप्स के बैनर्स इस टाइम पर चल रहे हैं जो कि इस टाइम पर टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे बैनर एड्स को ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ शो होती है किसी भी कस्टमर को हमारी गिग की वो होती है उसकी पिक्चर एंड सेकेंड थिंग होती है उसका यूजर नेम थर्ड उसका टाइटल वन बाय वन डिस्कस करता हूँ मैं इसके बारे में हम लोग एक्चुअल गिग वाली जगह पर जाएंगे, एक एक कॉलम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं ओके okay. सो so, ये तो हमारे पास एक गिग डिस्प्ले होगी किसी भी कस्टमर अगर कोई अपना कस्टमर यहाँ तो सर्च करता है कोई अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सर्विस को आगे सर्च करता है या फाइंड करता है या फिर वो डायरेक्टली कैटेगरी से चूज़ कर लेता है तो इस तरह का रिजल्ट उसके सामने शो होना शुरू हो जाएगा ओके okay. तो अब बात करते हैं आपके कीवर्ड्स की जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो फाइबर है या कहीं पे भी आप चले जाएं किसी भी जगह पर अगर आप गूगल को भी देखें तो अगर कोई किसी भी कस्टमर की या किसी भी एक पर्सन की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको जाके सर्च करता है गूगल के ऊपर और गूगल क्या करता है उसकी सर्च का जो रिज़ल्ट है उसको सामने लेके आता है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फाइबर भी ए इसी तरह काम करता है यहाँ पर बायर और सेलर कस्टमर या बायर यहाँ पर सेलर का रिलेशन होता है तो अब फाइवर आपको क्या करता है कि किसी भी कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम होती है या अगर उसने कोई सर्विस उसको चाहिए चाहे वो इमेज एडिटिंग से रिलेटेड हो चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो चाहे वो डिवेलपिंग से रिलेटेड हो चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो या किसी भी ऐसी फील्ड से हो जनरल कोई भी कैटेगरी हो जो कि ऑनलाइन जिसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है तो आप क्या कर सकते हैं अपनी गिग को वहाँ पर प्रजेंट कर सकते हैं या अपने स्किल को वहाँ पर प्रजेंट कर सकते हैं कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूँ बिकॉज मेरे पास वो स्किल अवेलेबल है okay, तो यहां तक तो तक हमारे पास ये हमने complete कर लिया कि uh, gigs display कैसे होती हैं और किस तरीके से फाइबर करते हैं अब है आपके पास कीवर्ड ओके सो है बेसिकली आपकी प्रॉब्लम होती है इट्स मीन दैट कि अगर आपको कीवर्ड आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है और आपके पास सोल्यूशन भी हो सकते हैं तो कीवर्ड हमारे पास दोनों टाइप्स के होते हैं एक प्रॉब्लम और एक सोल उसी का सोल्यूशन अब कीवर्ड से पहले हमारे पास एक होता है सीड वर्ड सीड वर्ड का मतलब होता है जो प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट होती है जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक लेट uh, से मेरा एक बिजनेस है फेसबुक पे और मैं चाहता हूँ कि वो बिज़नेस प्रमोट हो लेट्स से मैं कोई चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ और मुझे उसके रिलेटेड कोई फ़ेसबुक का बैनर चाहिए या अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी एक वेबसाइट हो तो मैं क्या कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट मुझे बनवानी पड़ेगी इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे मेरे पास वेबसाइट मुझे चाहिए तो मैं वहाँ जाके आ, किसी भी सर्च इंजन पर जाके क्या लिखूँगा कि वेबसाइट डिवेलपर कौन कौन है अगर मुझे Uh, कोई डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क चाहिए तो मैं अपना डिज़ाइन से रिलेटेड की वर्ड लिखूँगा तो सबसे पहले आपके पास जो सीड वर्ड है मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो कौन सा वर्ड होना चाहिए ये तो डेफिनेटली से बात है अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो जो प्रॉब्लम का नेम है वही आपके पास सीड वर्ड बन जाता है अब सपोज मुझे जो मेरा सीड वर्ड है वो ये है कि फेसबुक का मुझे बैनर चाहिए लेट्स से कि जो फेसबुक का बैनर है जिस तरह आपके, आपके पास इस टाइम पे फाइवर की स्क्रीन के ऊपर ये एक बैनर जो कि मल्टीपल वेरिएशन के साथ जो है मूव हो रहा है बार बार ये इसमें एनिमेशन थोड़ी सी एड है तो इस तरह का मुझे एक बैनर चाहिए लेकिन अपनी फेसबुक जो प्रोफाइल के लिए या फेसबुक के पेज के लिए बट वो स्टैटिक होगा उसमें कोई मूवमेंट ही हो रही होगी तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा अपना जो कीवर्ड है है यहाँ पे लिखूंगा जी फेसबुक ओके एंड बैनर फेसबुक बैनर लिखते ही या फेसबुक लिखते ही मेरे पास कुछ कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली फेसबुक तो मेरे पास एक सीड वर्ड है बट उसके साथ कुछ रिलेवेंट वर्ड्स uh, मिला के मुझे फाइवर बता रहा है कि यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं ओके सो अभी हम लोग अपना जो सीड वर्ड है हम उसी को चूज करेंगे तो अभी हमारे पास आ गया जी फेसबुक बैनर जैसे हमने फेसबुक बैनर के बारे में सर्च किया तो फाइवर ने फौरन से पहले उन गिग्स को सामने डिस्प्ले कर दिया जो लोग इस फेसबुक बैनर की सर्विस को प्रोवाइड दे रहे हैं इस टाइम पे जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं ओके okay, सो so किसी भी कस्टमर को अगर वो यहाँ पे सर्च करता है तो इस तरह उसको सल्यूशन मिल जाता है अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके क्योंकि हम लोगों ने जब अपनी गिग को क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऐसे कीवर्ड्स ऐड हों या हमारे गिग के अंदर ऐसे कीवर्ड्स जो हैं हम चूज़ करें जो कि मोस्ट सूटेबल होंगे कस्टमर की प्रॉब्लम के लिए डेफिनेटली अगर कस्टमर वो कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी गिग उसके सामने डिस्प्ले होगी सो so, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके कीवर्ड्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों कि आपकी जो गिग है उसके सामने डिस्प्ले हो कस्टमर के सामने फाइबर्स उसको आपके गिग को डिस्प्ले करें एंड आपको वो ऑर्डर टेक करने में हेल्प कर सकें ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करेंगे कि uh, कैसे कर सकते हैं इसको ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने कुछ जनरली या जेनरिक कीवर्ड जो हैं वो हमने कैसे फाइबर uh, से हमने गेट करने हैं, उसके बारे में देखते हैं तो अगेन जब मैंने यहाँ पर सीवर्ड ऐड किया अपने फ़ाइबर की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही सीडवर्ड ऐड करता हूँ तो मेरे पास कुछ यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं अब यहाँ पर वो सर्विसेज शो हो रही हैं जो कि इस टाइम फेसबुक से रिलेटेड है जैसे कि एड्स है प्रमोशन है बिज़नेस पेज है ऐड कंपेन है एंड कवर है इट्स मीन दैट के लोग इस टाइम पे ज़्यादातर फेसबुक एड को सर्च करते हैं फेसबुक मार्केटिंग को प्रमोशन को बिज़नेस पेज को फेसबुक एड कैंपेन एंड कवर को जो है यहाँ पे सर्च करते हैं सो इट्स मीन दैट मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कीवर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो मैंने इन कीवर्ड्स को अपने पास सेव कर लेना है सेव करने के लिए क्या करेंगे आप अपने पास एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे और उस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर देंगे अपने जो इन कीवर्ड्स को ताकि आप उसको गिग के अंदर यूज़ कर सकें ओके okay. अब क्या करेंगे हम लोग वन बाय वन इन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे जैसे कि फ़ेसबुक एड्स लिखते हैं एड्स लिखने के बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो ये मज़ीद आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करता जाएगा फ़ेसबुक एड कम्पेन फ़ेसबुक ऐड मैनेजर फ़ेसबुक एड डिज़ाइन ओके एक और न्यू कीवर्ड आ गया हमारे पास फ़ेसबुक एड डिज़ाइन तो ये भी एक हमारे पास एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आ गया उसके बाद हम लोग दोबारा देखते हैं जी फेसबुक के बाद हमारे पास था कवर फ़ेसबुक कवर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं फ़ेसबुक कवर लिखते ही मेरे पास मजीद कीवर्ड आ गए जैसे कि फेसबुक कवर डिज़ाइन फेसबुक कवर फोटो फेसबुक कवर पेज एंड समथिंग एल्स लाइक दिस सो इट्स मीन दैट कि आपके पास इस टाइम पर मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ से आप अपने गेट कर सकते हैं बट अगर आप चाहें तो एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं प्रिसाइज काम करना चाहिए कि हमारे पास जल्दी जल्दी से कीवर्ड्स आ जाएं हमें इस तरह से सर्च ना करनी पड़े बट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सर्च करें इसको सर्च करने के तीन मेथड है फ़र्स्ट मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ सेकेंड मेथड है हमारे पास जो कि होगा आपका सर्चिंग के ऊपर ही लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे कि किसी भी एक कीवर्ड को लेंगे और बाद में सेलर्स की प्रोफाइल को चेक करके उनके कीवर्ड चेक करेंगे ओके सो बिकॉज हमारे पास जो कीवर्ड है वो फेसबुक एड्स के रिलेटेड है तो फेसबुक एड्स पे चले जाते हैं सॉरी फेसबुक एड फेसबुक हमारे पास कवर था कवर या बैनर ओके सो फेसबुक कवर को यहाँ पर सर्च करें ओके okay. अब यहाँ पर आपके पास कुछ गिग्स ओपन हो गई हैं अब आपने करना क्या है कि इनमें से उन गिग्स को ओपन करना है जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं प्लस लेवल टू सेलर और लेवल वन सेलर को भी कहीं ना कहीं हम देख लेंगे देख लेंगे कि कौन कौन सा हमने इसको ऐड करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ गिग्स को ओपन कर लेते हैं आप कोशिश करें कि जो है मिनिमम टेन uh, गिक्स को ओपन कर लें ताकि आपके पास मच कीवर्ड्स uh, आ जाए ताकि आप अपने पूरे गिग के अंदर उसको यूज़ कर सकें जो आपको अच्छे लगते हैं इसके अलावा सेकेंड थिंग ये भी देखिएगा कि किसकी पिक्चर uh, जो है अट्रैक्टिव है बिकॉज अभी हमारा मेन फोकस कीवर्ड पे है बट हमें अपनी जो पिक्चर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ओके okay. किसी भी सेलर की गिग के कीवर्ड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी गिग को ओपन करें उसकी गिग को ओपन करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आते हैं रिलेटेड टैग्स टैग्स क्या होते हैं आपके कीवर्ड्स ही होते हैं ओके सो आपके पास यहाँ पर ये कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे उनके जो कीवर्ड्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं जिन सेलर्स ने या इस गिग का जो ऑनर है उसने जो कीवर्ड्स ऐड किए की हुए हैं वो ये है जैसे कि हमारे पास फ़ेसबुक कवर है फेसबुक कवर के बाद फेसबुक बैनर है हेडर है फेसबुक कवर एंड टाइमलाइन। तो इट्स मीन डेट यहाँ पर हमारे पास इस टाइम पे फाइव यूनिक कीवर्ड्स आ ओके सो अब हमारे पास ये फाइव कीवर्ड्स ये आ चुके हैं आपने इनको कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर लेना है बिकॉज हमने हर कीवर्ड को यूज़ करना है मैक्सिमम कीवर्ड्स चूज़ करने हैं ओके अगेन द सेकेंड वन यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास फेसबुक बैनर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है फेसबुक ग्राफिक एंड डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया बैनर आ गया और कवर फोटो इसी तरह आपने इन जितने भी सैलर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे आपने उन सब सैलर्स के जो कीवर्ड्स हैं उनको कॉपी कर लेना है अब यहाँ पर एक और हमारे पास न्यू की आ गया देखिए कीवर्ड्स हमें ऑटोमेटिकली मिलते जा रहे हैं हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी फर्स्ट जो आपका प्रोसेस क्या है कि आप अपना सर्च बार से कीवर्ड्स ले लें सेकंड प्रोसेस के है आप अपनी जो वहाँ पर पहले सेलर्स वर्क कर रहे हैं उनकी को उनके ओपन करें उनके कीवर्ड्स वर्ड्स वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें और देन हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इसी तरह हमने कुछ कीवर्ड्स को जब कंप्लीट कर लेना है उनको हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर लेना है हमारे पास एक अच्छी अमाउंट हो जाएगी कीवर्ड की जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ओके okay. सो so, जब हम इन सब कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे फिर हमारे पास एक टूल आता है जो कि है जिसको हम कहते हैं फाइव लाइटिक्स जो कि स्पेशली बना है कीवर्ड सर्च के लिए सिर्फ फ़ाइवर के लिए तो यहाँ पर आपने अपना टारगेट कीवर्ड ऐड करना है वही कीवर्ड वही सीड वर्ड जो हमने फ़ाइवर की सर्च बार के अंदर ऐड किया था ये उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स निकाल देगा जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लिखते हैं फेसबुक बिकॉज हम कवर को सर्च कर रहे थे या बैनर को सर्च कर रहे थे तो हम लोग यहाँ से इसको एनालाइज कर लेते हैं ओके सो यहाँ पर हमें किसी एक का यूज़र नेम देना पड़ेगा किसी एक सेलर uh, का तो हम लोग यहाँ से किसी भी एक सेलर uh, का जो है यूज़र नेम कॉपी पेस्ट करेंगे ओके okay. इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दिया उसके बाद करेंगे एनालाइज कीवर्ड। अच्छा ये जो टूल है ये क्या करता है ये आपकी बेसिकली हेल्प करता है आपकी ऑनलाइन सेलिंग प्रोफाइल को या आपकी गिग को देखने के लिए कि उसकी रैंकिंग क्या है या आप किसी एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड पे रैंक कर चुके हैं या कर रहे हैं ठीक है तो ये बहुत चीज़ों के लिए आपको बहुत हेल्पफुल है बेसिकली की वर्ड ये वन एंड ओनली एक ही की वर्ड रिसर्च के लिए या हमारे पास गिग एनालाइजिंग के लिए एक ही हमारे पास वेबसाइट है फाइव लाइटिक्स इसके अलावा कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारी की सारी फेक हैं और उनके सर्च रिजल्ट भी ठीक नहीं है ओके सो यहाँ पर आप क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले तो आपकी जो है ओवरऑल आपकी गिग की प्रोग्रेशन आपको पता चलती है उसके बाद बताता है कि आपके पास टोटल फेसबुक कवर से रिलेटेड गिग्स कितनी है जैसे देखें ये फाइवर आपको बता रहा है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री इसी तरह सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी टू बता रहा है बिकॉज एक गिग इसकी अपनी है जिस यूजर को हमने सर्च किया है ठीक है जिस हमने सेलर को लेकर यहाँ पर सर्च करें उसके बाद टोटल हमारे पास सेलर्स कितने फोर्टी एट ऑनलाइन सेलर्स हैं हमारे पास और प्रो सेलर्स फोर्टी एट मतलब फोर्टी एट ही प्रो सेलर्स हैं फोर्टी एट ही ऑनलाइन सेलर्स हैं फिर आपको ये बताता है कि आपकी जो गिग की ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कितने लोगों को यानी कि इस लेवल को ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं जैसे लेवल टू को ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं बिकॉज देखें जैसे ही मैंने सर्च किया फेसबुक कवर को तो मेरे पास जो गिग्स सामने डिस्प्ले हो रही हैं वो ऑलमोस्ट है. है, लेवल टू के ही सैलर है लेवल वन का कोई सेलर नहीं है यहाँ लेवल टू के हैं यहाँ पर टॉप रेटड सैलर हैं ओके हाइएस्ट रैंकिंग है जी मेरे पास फाइव स्टार जो दिया हुआ है जो मतलब लोग देते हैं और उसके बाद लोएस्ट रैंकिंग फोर पॉइंट सेवन है और एवरेज रेटिंग जो मिल रही है मतलब जो एवरेज लोगों को रिव्यूज मिल रहे हैं वो फोर पॉइंट नाइन थ्री आलमोस्ट मिल रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि इसके अंदर जो ऑडियंस है वो भी अच्छी है और यहाँ पर जो इस टाइम पर सेलिंग कर रहे हैं जो सेलर्स वो भी अच्छे हैं ओके okay, नेक्स्ट अभी इसको हम यहाँ पे ही रहने देते हैं बिकॉज हमने जब गिग लगानी है तो बाकी जो इसके मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करने हैं ओके okay. अगर तो हमारे पास इस फेसबुक से रिलेटेड कोई मल्टीपल आपके पास कीवर्ड्स अवेलेबल हो, तो फाइव लाइटिक्स यहाँ पर आपको शो कर देते हैं बिकॉज फाइव फेसबुक कवर के रिलेटेड अभी इस टाइम पे जो कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज़ फ़ेसबुक कवर के आगे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है आ रही तो इसलिए यहाँ पर कीवर्ड एनालाइजर एनालाइज़र ने या फाइवलाइटिक्स ने क्या किया कि अपने कोई भी कीवर्ड्स को ऐड नहीं किया तो इट्स मीन डेट कि आपके पास जो कीवर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वही इनफ है वो ही बट अगर आप चाहें कि इसके अलावा क्योंकि ये हमारे पास थर्ड मेथड था अब हमने इसी के साथ एक और चीज़ ऐड करनी है बिच इज़ और सेकेंड जो फोर्थ वन जो थर्ड के साथ अटैच होता है वो तो होता है हमारे पास सजेस्टेड की जो कि फाइवर सजेस्ट करता है कि जो लोग फेसबुक कवर को सर्च करते हैं वो बेसिकली इसको फेसबुक कवर फोटो फेसबुक कवर डिज़ाइन फेसबुक कवर वीडियो फेसबुक बैनर फेसबुक कवर पेज फेसबुक एड्स एंड फेसबुक ग्रुप कवर की रिलेटेड uh, भी सर्च करते हैं और सेकेंड थिंग अगेन आपने अपने कैटेगरीज में से देख लेना है कि हमारे पास किस किस टाइप की चोस टाइम पे निश पे वर्क किया जा रहा है और आपने उनसे रिलेटेड यहाँ पर बिकॉज अगेन हम लोगों ने अपने उस निश को टारगेट करना है जहाँ पर कंपटीशन कम है ओके सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टाइम पे शॉर्ट वीडियो आए बिकॉज हम लोग यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो पोस्टर डिज़ाइन पे सिर्फ 38 एट गिग्स हैं इट्स मीन दैट कि अगर हम पोस्टर डिज़ाइन के ऊपर वर्क करें तो हमारे ज़्यादा चांसेस हैं आपकी गिग को रैंक करने के लिए सो so ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं बट आल दो अभी हम लोग फेसबुक कवर से रिलेटेड काम कर रहे हैं मैंने बताया हमारे पास टोटल सेवन गिग्स होंगी तो इसीलिए आप लोगों ने अपने उन सेवन गिग्स को फोकस करते हुए अपने डिफरेंट जो है वो गिग्स uh, को क्रिएट करना है ओके यहाँ तक आप लोगों totally के पास टोटली फाइबर के कीवर्ड्स या कीवर्ड्स क्या होते हैं फाइबर के ऊपर कीवर्ड्स की बेसिस पे कैसे काम किया जाता है और कीवर्ड्स को कैसे गेट करना है बिफोर गोइंग टू क्रिएट एक्चुअल गिग हमारे पास कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए डिफरेंट जो सेलर्स हैं उनके प उनके ऊपर जो गिग्स जो उन्होंने लगाई हुई है उनके गिग्स को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके टैग्स को कॉपी करना इंपॉर्टेंट है, है बिकॉज हमने उनको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है बिकॉज अगर वो यहाँ पर किसी एक कीवर्ड पे रैंक है तो माइट भी पॉसिबल कि अगर आप वही कीवर्ड ऐड करें तो आप भी यहाँ पर जल्दी से रैंक कर सकते हैं ओके सो so, अब हमारे पास हम लोग चलेंगे देखेंगे कि आ, जो कि फ़ाइबर की गिग है उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है और बिकॉज लास्ट टाइम जहाँ पे हमने विंडो जो है स्टॉप की थी और जहाँ पर हम लोगों ने गिग क्रिएशन पे आके अपना काम स्टॉप किया था आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि एक गिग को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं कीवर्ड्स हमारे पास एक जो है प्रॉपरली पहले ही बन चुके हैं अब नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहली चीज़ कि आपके पास गिग के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है जिसको हमने फोकस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास गिग टाइटल गिग टाइटल हमारे पास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने जब भी कभी अपने गिग को क्रिएट करने हैं तो जैसे मैंने बताया था कि गिग्स हमारे पे जब हमने फेसबुक बैनर से रिलेटेड हम लोगों ने या फेसबुक कवर से रिलेटेड हमने गिग रिसर्च की थी तो हमारे पास सबसे पहले पिक्चर एंड देन हमारे पास टाइटल शो हो रहा था तो यहाँ पर हम लोग जब फा जो फाइबर के ऊपर अपनी गिग टाइटल को क्रिएट करते हैं या हमारे पास जब फाइबर के ऊपर गिग क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपका टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो टाइटल के लिए कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज़ टाइटल के अंदर ही अगर आपका टाइटल मैच कर रहा होगा आप कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ तो डेफिनेटली आपकी गिग को वहाँ पर ज़रूर डिस्प्ले किया जाएगा ओके सो सबसे पहले हमारे पास ये जानना जरूरी है कि टाइटल इम्पोर्टेंट क्यों है बिकॉज़ uh, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो गिग है उस पर क्लिक किया जाए मतलब क्लिक किया का मतलब कि आपका वो सर्च रिज़ल्ट uh, में आपकी गिग डिस्प्ले हो किसी भी कस्टमर के लिए एंड देन वो आपके uh, गिग पे क्लिक करें और आपको ऑर्डर से। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और नियर टू कस्टमर प्रॉब्लम होना चाहिए ये ना हो कि टाइटल आपका टोटली totally डिफरेंट हो उसको अट्रैक्टिव के चक्कर चक्कर में हम बहुत सारा अजीब से की वर्ड्स वहाँ पर ऐड कर दें और वो मिसअंडरस्टैंड कर दें अपना जो कस्टमर है उस चीज़ को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कि हमने उसकी अकॉर्डिंगली टाइटल को जो है बनाना है मैं आपको टाइटल बनाने का तरीका भी बताऊंगा बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने किस तरीके से टाइटल को क्रिएट करना है एक अच्छा टाइटल आ, बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ओके यूज़ द एग्जाम्पल बिलो टू गिव सम आइडियाज़ फॉर योर टाइटल हाउ एवर डोंट जस्ट कॉपी दैम याद रखिएगा कि कॉपी पेस्ट ओनली कीवर्ड्स कीवर्ड्स के अलावा uh, जो भी हम काम करेंगे वो हम लोग यूनिक करेंगे कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट डायरेक्टली नहीं करनी हाँ ज़रूर हमने रिसर्च जरूर करनी है बिकॉज़ जितने भी सैलर्स हैं वो सारे हमारे कम्पेटिटर्स हैं वो पहले से वहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि हमें उनके बारे में रिसर्च करना उन्होंने अपने टाइटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं उनका प्रोसेस किया है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने टाइटल को क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने जितने भी आ, आपकी आ, निश से रिलेटेड या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड या आपके उस गिग से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं कीवर्ड्स के साथ साथ आपने अपने टाइटल को भी अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना है ओके okay. कुछ एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं यहां पे कि हमारे पास एक अच्छा टाइटल और एक जो लोएस्ट रैंक टाइटल में क्या डिफरेंस है ओके okay. जैसे लेट्स सपोज uh, एक uh, हम टाइटल की बात करें आई विल टर्न योर इनटू अ कार्टून फोर टॉलर फाइव अब बिकॉज फाइवर इज़ द फाइव डॉलर मार्केट बिकॉज हमारे पास जो लोएस्ट uh, प्राइस है आपके फाइबर की अंदर वो है फाइव डॉलर तो हमने उसी को देखते हुए एक uh, जो टाइटल क्रिएट किया अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आई डोंट नो माइट भी पॉसिबल कि कस्टमर ऐसा uh, इनमें से कोई भी कीवर्ड मतलब जो हमने हम लोगों ने अपने गिग के अंदर Uh, या ऐड किया है या टाइटल जो हमने ऐड किया है उसके अंदर जो कीवर्ड्स ऐड किए हैं माइट भी पॉसिबल कि कोई भी ऐसा कीवर्ड कस्टमर सर्च ना करे तो अगर कस्टमर ऐसा कीवर्ड ही सर्च ना करेगा या अगर वो स्पेसिफिक कार्टून ना लिखे तो क्या होगा क्या हमारी कि हमारी गिगी उसके सामने डिस्प्ले नहीं होगी तो इसलिए आपके पास हमें बहुत ज़रूरी है कि आप जब ये टाइटल अपने तौर पर क्रिएट करें या अपने क्रिएटिविटी की अकॉर्डिंगली क्रिएट करें तो उसको कंपेयर करें बाकी कस्टमर से जो सर्च करते हैं उनके जो गिग रिजल्ट्स आते हैं या बाकी सेलर्स जो हमारे पास इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उसको कंपेयर करें ओके नेक्स्ट है हमारे पास आई विल टर्न योर फोटो इन टू क्रिएचर फॉर डोलोफाइ अब उसी टाइटल को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर किया गया बाय कंपेयरिंग द अदर्स कम्पटिटर जो मेरे पास दूसरे कम्पैटर थे मैंने उनके अकॉर्डिंगली क्या किया कि दोबारा से जाके कि सर्च किया और मैंने देखा कि उन्होंने एक कीवर्ड ऐड किया हुआ था क्रिकेचर का जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ओके okay. अब यहाँ पर मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कीवर्ड्स ऐड हो चुके हैं एक फ़ोटो और एक क्रिकेचर अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास वो एक कीवर्ड कार्टून ऐड नहीं करता तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड कर दिया फोटो अब लेट्स सपोज अगर कोई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड बंदा आता है तो वो भी आपकी गिग उसके सामने डिस्प्ले होगी ऑल दो माइट बी पॉसिबल कि उसको कुछ और काम हो बट डिस्प्ले करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओके बिकॉज हमारी गिग जो है वो एक कार्टून से रिलेटेड है कि आपकी जो पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर है उसका वेक्टर कार्टून बनाया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये गिग को डिस्कस कर रहे हैं ओके okay. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपने अपने टाइटल के अंदर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करना है कि आप किसी भी कस्टमर का प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे हैं और उसके बाद वो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं तो यूनिक सेलिंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है बिकॉज़ इस टाइम पे इस टाइटल uh, के अंदर जो है uh, बहुत ही सिंपल uh, कीवर्ड है मतलब जो हमारे पास टारगेट ऑडियंस को uh, लेके हम लोगों ने यहाँ पे बनाया उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फोटो है एंड देन क्रिएचर है बट अगर हम बात करें कि एक ऐसा यूनिक कीवर्ड जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो किसी भी कस्टमर के लिए ओके ये तो हर एक बंदे ने लिखा होगा बट बिकॉज हम लोग अगर यहाँ पे अब मैंने कुछ उसको मॉडिफाई किया अगेन रिसर्च करके बिकॉज अब ये देखिएगा कि एक टाइटल को कितनी दफ़ा रिसर्च किया जाता है हम लोग बार बार उसको रिसर्च करके देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या बेटरमेंट हो सकती है कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी गिग के अंदर या आप जो टाइटल है उसके अंदर एक ऐसा यूनिक सेलिंग सेलिंग पॉइंट पॉइंट होना चाहिए selling point की आपके कस्टमर को समझ आ जाए कि यार ये इस वजह से बेस्ट है बाकी सबसे ओके okay, सो so मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया आई विल ड्रॉ यू वन रियलिस्टिक स्टाइल कार्टून ओके अब देखिएगा रियलिस्टिक का मतलब कि कस्टमर को एक प्रसप्शन बन रही है उसके माइंड के अंदर या कस्टमर की साइकी के साथ हम प्ले कर रहे हैं कि आपके पास जो मैं जो आपको मैं वर्क करके दूंगा या आपकी जो प्रॉब्लम वो सोल्यूशन है वो मेरे पास है और मैं उस सोल्यूशन में एक की पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि वो रियलिस्टिक लगेगा मतलब वो आपकी एक्चुअल पिक्चर ही लगेगी लेकिन वो कार्टून स्टाइल में होगी फिर मैंने कुछ कार्टून ऐड कर दिया एंड देन पोर्ट्रेट कि अगर कोई कस्टमर पोर्ट्रेट से रिलेटेड सर्च करे कार्टून से रिलेटेड सर्च करे या रियलिस्टिक स्टाइल या कुछ ऐसा सर्च करें तो उसके रिलेटेड मेरी जो गिग है उसके सामने डिस्प्ले हो जाए तो इसमें जो हमारे पास यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है रियलिस्टिक तो ये है कि हमारे पास एक टाइटल को मॉडिफाई करके बेस्ट टाइटल बनाने का जो तरीका इसके अलावा मैंने कुछ आ, कुछ कीवर्ड्स कॉपी किए हैं सेलर्स के और वहाँ पे मैं वन बाय वन इसके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सा कीवर्ड कितना इम्पोर्टेंट है या उन्होंने किस तरीके से टाइटल में इस चीज़ को ऐड किया है आई विल डिज़ाइन टू ऑसम लोगो डिज़ाइन इन 48 एट आवर्स डेफिनेटली यहाँ पर आ, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट तो हमें सामने ही नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा आ, जो है क, उसके करेक्टर जो है वो अपर कनेक्टर यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है टू ऑसम और इसका मतलब नॉट वन वन लोगो ये एक लोगो नहीं दे रहा बल्कि पांच डॉलर के अंदर दो लोगो दे रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा uh, जो है वो पॉइंट uh, है सेकंड एक और पॉइंट ऐड किया है इन फोर्टी एट आवर्स कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर यहाँ हमारे पास एक टाइम फ्रेम है जैसे कि हमारे पास जब हम लोग फाइवर के ऊपर सेलिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ टाइम फ्रेम दिए जाते हैं जैसे वन डे टू डे दे, थ्री डेज एंड मल्टीपल जितने डेज आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपके पास वो मतलब जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने गिग के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास ये जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए यूनिक सेलिंग के साथ आपका टाइम फ्रेम भी अच्छा होना चाहिए ओके सो सेकेंड वन इज़ आई विल डिज़ाइन योर रेट्रो स्टाइल पोस्टर और फ्लायर फॉर फाइव डॉलर अब यहाँ पर जो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक मैंने आपको बताया था कि आप अपने अपने जब निश को टारगेट करना है तो आपने देखना है कि उसके अंदर मज़ीद इनसाइट या उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी आ, मजीद आ, हमारे पास सब कैटेगरीज आ सकती हैं या यूनिक हमारे पास जो गिग है वो कौन सी बन सकती है तो उसके रिलेटेड मैंने सर्च करने के बाद मेरे पास एक स्टाइल आया रेट्रो स्टाइल इसी तरह आप लोगों ने अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली जो है उसको टाइटल को या गिग्स को सर्च करने और इसमें जितनी रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलता जाएगा थर्ड थिंग हमारे पास जो एक और टाइटल हमने बनाया है बिकॉज मैंने हर टारगेट ऑडियंस को यहाँ पर ऐड कर दिया है आई विल आई विल एट हंड्रेड कीवर्ड रिसर्च ओके मैं बता रहा हूँ कि एट हंड्रेड कीवर्ड रिसर्च करूँगा एजेंसी एस सी ओ टेन हैंड पिक शॉटलेस टॉप टेन कंपेटर्स पाए फोर डॉलर फाइव तो मैं इसको एक टाइम में तीन सर्विस प्रोवाइड करूँ और तीन सर्विस सिर्फ फाइव डॉलर के अंदर प्रोवाइड करूँ जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंग इट्स मीन डेट कि यहाँ पे कस्टमर जो है मुझे इस टाइम पे Uh, वो ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेगा और बिकॉज़ मैंने यहाँ पर एक यूनिक uh, कीवर्ड भी ऐड किया है यूनिक कीवर्ड के साथ मैंने उसके बाद उसको मल्टीपल उसकी क्वांटिटी भी बता दिया कि 800 कीवर्ड है कस्टमर को टोटली क्लियर है कि इस गि के अंदर मुझे एक तो यूनिकनेस मिल रही है कम्पट जो है कंपटीशन के लिए मतलब जितने भी एक्स्ट्रा मुझे कुछ फीचर्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कस्टमर को ये ज़्यादा उसकी अटेंशन ग्रैब करता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल जो है गिग के ऊपर नेक्स्ट टाइम हमारे पास आई विल राइट कॉपी दैट ब्लोज रीडर आउट ऑफ द वाटर फॉल ओके सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है जिसके अंदर एक तो डेफिनेटली की वर्ड्स ऐड किए हैं जैसे कि रीडर्स हैं कॉपी है राइट है, है ये सब मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं बट इसी के साथ मैंने कस्टमर को थोड़ा सा एक्साइट किया है कि मैं आप जो मैं लिखूँगा मतलब जो आपके लिए मैं कोई भी कॉपी राइटिंग से रिलेटेड काम करूँगा वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा और उसको कस्टमर जब पढ़ेगा यानी कि जो कस्टमर मेरे पास आया अगर उसने कुछ लिखवाना है तो उसको पढ़ेगा तो बहुत ही यूनिक होगा और उसको मज़ा आएगा उस चीज़ के अंदर तो एक ये चीज़ भी होती है कि आप उसको ज़्यादा एक्साइट कर दें किसी भी कोई ऐसे चीज़ ऐड करने के साथ साथ फिर हमारे पास है जी आई विल रिकॉर्ड एनी वॉइस ओवर टुडे फॉर डॉलर फाइव ओके सिंपल सी बात है टुडे का मतलब है कि आज ही और यूनिक सेलिंग पॉइंट भी यही है कि आपको मैं विद इन ट्वेंटी फोर आवर नहीं बल्कि विद इन ट्वेल्व आवर्स या उससे भी पहले मैं आपको जो है वो आपका काम डिलीवर कर दूँगा तो ये कुछ चीज़ें थी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर हमारे पास टोटल फाइव की टाइटल्स uh, हैं और फाइव के फाइव जो है वो डिफरेंट कैटेगरी uh, से रिलेटेड हैं और उनमें यूनिक सेलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं उनमें एक्साइड पॉइंट्स डिफरेंट है उसमें क्राउडिड पॉइंट डिफरेंट हैं तो इस तरह करके आप लोग भी अपनी सेवन गिग्स को यूनिक बना सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप सेवन गिट्स को एक ही तरह की टारगेट बना दें आप उसमें यूनिकनेस लेके आ सकते हैं और जो गिग आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे जो टाइटल आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे वो आप बाकी गिग्स में भी ऐड कर सकते हैं सो so, इसी तरह आपके सक्सेस के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर आता है हमारे पास अब बहुत इंपॉर्टेंट जो गिग है वो कैसे हम लोगों ने बनानी है बिकॉज ये जो ऊपर वाली जितनी भी गिग्स हैं उनको मैंने कुछ टूल्स के अकॉर्डिंगली बनाया है सबसे पहले एक गिग है जिसके अंदर हमें यूनिक सेलिंग पॉइंट देना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके वर्ब है जैसे आई विल वो तो स्टार्टिंग भी आएगा ही फिर उसके बाद हमने उसके प्रोसेस बताना है फिर बताना है जी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके पास कौन सा है और गिग आउटकम के आप उसको कितनी देर में डिलीवर करेंगे या उसके उसके रिजल्ट में आप उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ओके okay. सेकेंड हमारे पास या फिर सेकेंड मेथड है कि आप अपने जो है गिग आउटकम को पहले लिखते हैं मतलब कि मैं अपने आप के लिए करूँगा रिकॉर्ड करूँगा वॉइस ओवर या आपके लिए एक फेसबुक पैनल बनाऊँगा और यूनिक होगा उसके अंदर कोई भी आप एक फीचर डाल सकते हैं जैसे कि रेट्रो स्टाइल में होगा या वटैवर तो आप इन दोनों को मैनुपलेट करके एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट कर सकते हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए जाना ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने यहाँ पे टाइटल देखते हैं तो टाइटल की कुछ लिमिटेशंस हैं अब उन लिमिटेशंस को भी यहाँ पर हम लोगों ने देखनी है कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड करनी है और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हमने यहाँ पर अवॉइड करना है सबसे पहले जी आपके पास यूनिक टाइटल शुड बी कंसाइज विद एट्टी करेक्टर लेस्ट कि आपका जो गिग का टाइटल है वो बहुत कंसाइज होना चाहिए कंसाइज का मतलब कि डायरेक्टली कस्टमर को समझ आना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख अब सोल्यूशन चाहिए उसको और आप उसको प्रॉपर बता रहे हो क्योंकि हम लोग उसके सामने बैठ के उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते तो आपका कंसाइजली आपने उसको बताना है कि आपने आपका फेसबुक बैनर चाहिए ओके okay, फेसबुक बैनर है इतने डॉलर में है इतना टाइम में है दैट्स इट यूनिक सेलिंग पॉइंट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं बी श्योर इंक्लूड टर्म्स आइडियल कस्टमर वुड सर्च याद रखिएगा कि जितने भी गिग्स क्रिएट करनी है हमने आल दो हम लोग सब सेलर्स को कॉपी कर रहे हैं हम लोग उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसके बाद उसको मैनुपलेट करेंगे बट आपने जब ग्रिक क्रिएट करनी है तो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका आप सोल्यूशन देने लगे हैं तो आप किस तरीके से वहां पर कौन सा सर्च टर्म ऐड करेंगे यानी कि आप कौन कौन से की वर्ड ऐड करेंगे योर टाइटल कैन इंक्लूड वन कैपिटलाइज वर्ड एक आपका कैपिटल वर्ड होना चाहिए जो कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जो हाईलाइट करें आपकी गिग के अंदर कि ये मेरे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से आप मुझे सेलेक्ट करें अवॉइड मिसलीडिंग एंड अनरियलिस्टिक प्रॉमिस येस बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी गिग के अंदर लिख लेते हैं कि हम लोग मैं एक पाँच डॉलर के अंदर पाँच पाँच लोगों करके दूंगा दस लोगों करके दूंगा तो प्लीज़ अपनी जो है वर्थ को कम ना करें आप बिकॉज आप अभी बिगनर हैं या अभी प्रोफेशनल हैं या एक्सपीरियंसड हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी गिग के अंदर ये लिस्टिक रहना है और उतनी ही ऑफर करनी है जितनी वर्थेबल है आपकी टाइम के ऊपर भी और अगर आपने लेट से बहुत से कस्टमर क्या करते हैं कि अपनी जो गिग है उसका टाइम जो है वो शॉर्ट कर देते हैं जैसे कह देते हैं कि सिक्स आवर फाइव आवर्स या ट्वेंटी फोर आवर्स और उसमें वो नहीं कर पाते तो फिर कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो उसमें लूज़ हो जाता है और वो आपको रिटर्निंग कस्टमर नहीं बन सकता तो इसलिए प्लीज़ कोई ऐसा प्रॉमिस ना करें या एक्सपेक्टेशन कस्टमर को ना दें कि जो आप उसकी पूरी ना कर सकें ओके okay. सो so, अब हमने एक टाइटल क्रिएट करने का बहुत ही यूनिक तरीका पता चल चुका है बिकॉज़ हमने हर चीज़ को डीपली यहाँ पे किया है रिसर्च सेकंड आपके पास एक तो वो टाइटल है जो कि कस्टमर को डिस्प्ले होगा या आपके सर्च रिज़ल्ट के अंदर आके आपको डिस्प्ले होगा बट इसी के साथ साथ एक और हमारे पास जो टाइटल है जिसको हम कहते हैं एस टाइटल एस टाइटल क्या होता है बेसिकली हमने जो कीवर्ड्स लिए थे जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी लोगों की या गिग्स uh, को ओपन करके या हमने फाइव लाइटिक्स ली या हमने सजेशन कीवर्ड जो ऐड किए थे हमने उन्हीं से uh, एक यूनिक कीवर्ड्स से मिलता जुलता एक टाइटल बनाना है और उसको हमने ऐड कर देना है एस टाइटल के सो एस टाइटल जो है वो बेसिकली आपके पास हेल्प uh, करता है कि अगर कोई uh, कोई ऐसा कीवर्ड जो हम लोग अपने मेन टाइटल में ऐड ना कर सकते या हो या हमारे पास करैक्टर्स की लिमिटेशन ख़त्म हो जाए तो मैक् वैसे मैं आपको एक एवरेज करैक्टर बताता हूँ कि अगर आपने एक अच्छा टाइटल क्रिएट करना है तो वो लेस देन 60 या 60 के राउंड अबाउट आपका होना चाहिए इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो आपको कस्टमर जो फाइबर है वो थोड़ा सा एरर देना शुरू कर देते हैं कि आपका जो टाइटल है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आल दो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बट फिर भी आपके ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ज़रूर फ़र्क पड़ता है तो इसलिए आप ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपना कीवर्ड जो रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो टाइटल बना रहे हैं वो अंडर सिक्सटी करेक्टर्स हो आपके पास ओके सो ऐसे हो टाइटल के अंदर हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स ऐड कर देने की वर्ड्स ऐसे इस तरीके से ऐड करने हैं कि वो एक सेंटेंस के अंदर बन जाए जैसे कि डिज़ाइन क्रिएटिव अब मेरे पास जो की uh, मैंने ऐड uh, किया टाइटल बनाया वो है क्रिएटिव कवर फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक बैनर डिज़ाइन ओके okay. अब यहाँ पर मेरे पास यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है क्रिएटिव ठीक है क्रिएटिव कवर है उसके बाद फोटो है फिर इंस्टाग्राम है फेसबुक है और बैनर डिज़ाइन इस टाइम पे मैं कितनी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ सबसे पहले क्रिएटिव जो लोग क्रिएटिव वर्ड अगर लिखते हैं कवर फोटो अगर लोग कवर फोटो पे सर्च करते हैं इंस्टाग्राम अगर लोग सिर्फ इंस्टाग्राम लिखते हैं अगर लोग फेसबुक बैनर लिखते हैं या बैन, बैनर डिज़ाइन लिखते हैं तो इट्स मीन दैट यहाँ पर मैं एक टाइम में रहते हुए पाँच छः ऑडियंस को जो है कंबाइन करके यहाँ पर उनको टारगेट कर रहा हूँ ओके okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिर हमारे पास है जी आपका एस टाइटल एस टाइटल के अंदर आपने कहना है कि कीवर्ड ऐड कहने हैं जैसे कि डिज़ाइन अट्रैक्टिव सोशल मीडिया फेसबुक बैनर तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी ओके जी इसके बाद हमारे पास है आपकी कैटेगरी डेफिनेटली आपने अपने कैटेगरी को पहले ही चूज़ किया हुआ है बट आपने उसकी जो है सब कैटेगरी को भी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक हमारे पास आता है जैसे कि अब मैं अगेन यहाँ पे सर्च करता हूँ सब कैटेगरी देखने के लिए वैसे तो हमारे पास फाइवर ने ऑटोमेटिकली आपको पहले से ही बता देता है कि जो आपको टाइटल की बेसिस पे या अपना आई टाइटल जब लिखते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सजेशन में दे देते हैं कि इस टाइप के जो गिग्स हैं वो ज़्यादातर है। लोग सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर बैनर के अंदर या अदर्स के अंदर करते हैं बट अगर आप चाहें कि आप मजीद रिसर्च करना चाहते हैं कि ज़्यादातर गिग्स किस में क्रिएट हैं और अगेन मैंने आपको बताया कि टारगेट ऑडियंस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह की ज़्यादा गिग्स बनी हुई हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर है बैनर के अंदर है फ्लायर के अंदर है तो हम लोग क्या करेंगे इसको सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर ऐड करेंगे बिकॉज हम इसको एक जनरल गिग के तौर पे लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आया और यहाँ पर आकर मैंने सब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली सोशल मीडिया डिज़ाइन सोशल मीडिया डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये फिलअप हो गया नेक्स्ट है जी आपका गिग मेटा डाटा कि आप इस गिग के अंदर क्या, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज अगर आप एक राइटर हैं यहाँ एक डेवलपर हैं तो आपके रिलेटेड यहाँ पे एक्सटेंशन आएंगी अगर आप राइटर हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल पावर पॉइंट या पीडीएफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आएगा यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है तो मेरे पास जे पी जी पी एन जी पी एस डी जो कि मेरी फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर की कुछ चीज़ें हैं उसके बाद आपके प्लेटफॉर्म्स हैं किन किन प्लेटफॉर्म्स को आप यहाँ पर टारगेट करें आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं और मतलब मल्टीपल है आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अब हमारे पास मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हैं आपके सर्च टैक्स याद है मैंने आपको बताया था कि आपने अपने कीवर्ड्स को सेव करना है अब उनमें से जो मोस्ट रिपीटेटिव कीवर्ड्स हैं या जिन कीवर्ड्स पे बार बार रिसर्च की जाती है आप फेसबुक आप अपने फ़ाइबर पे जाके दोबारा से इसको सर्च कर सकते हैं आपने उन कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड कर देना है जैसे कि फेसबुक बैनर है बैनर डिज़ाइन है बैनर एड्स हैं कवर फोटो है तो मैंने इन की को यहाँ पर ऐड कर दिया बिकॉज हमारे पास सर्च ऑटोमेटिकली हमने पहले से की भी है इसलिए अभी हम यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद हमने इसको सेव करने और सेव करने के बाद हमें ये ले जाएगा ऑटोमेटिकली प्राइसिंग टैग पे ओके हमारे पास फायर के अंदर टोटली 3 पैकेजेस चलते हैं जो फायर प्रोवाइड करते हैं और आपने कोशिश करनी है कि इन तीनों पैकेजेस को जो है वो इकट्ठा आप लोग इनके बारे में रिसर्च करें और इन तीनों पैकेजेस को यूज करें ओके okay. सो so, इसके अंदर हमारे पास तीन पैकेजेस कौन-कौन से हैं उसमें हमारे पास है बेसिक स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम ये तीन पैकेजेस हैं अब आ, हमारे पास जो फाइवर के ऊपर है ये तीन पैकेजेस क्यों प्रोवाइड किए गए इसकी रीज़न है बिकॉज uh, हमारे पास डिफरेंट काइंड uh, के जो कस्टमर्स आएंगे कुछ ऐसे होंगे जिनको अपनी uh, अपना काम या अपना जो बैनर डिज़ाइन करवाना होगा या कोई भी आपसे वो सर्विस प्रोवाइड कर लेने आए हैं और उसका सोल्यूशन लेने आए हैं हो सकता है उनकी प्राइस लिमिट कम हो किसी की प्राइस लिमिट हो सकता है ज़्यादा हो या उसको ज़्यादा अच्छी चीज़ सही हो और कोई हो सकता है कि आपसे एक से ज़्यादा uh, जो सर्विस की डिमांड कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पैकेजेस के थ्रू उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के बजाय आपके पैकेजेस देख लेगा और उसको जो पैकेज सूटेबल होगा वो आपको वो uh, जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा वैसे मोस्टली फाइवर के ऊपर रिसर्च की गई है और रिसर्च की बेसिस पे जो रिज़ल्ट है वो ये निकला है कि आपके पास ज़्यादातर कस्टमर स्टैंडर्ड पैकेज को Uh, जो है वो चूज़ करते हैं बिकॉज स्टैंडर्ड के अंदर आपको बेसिक और प्रीमियम के मिड ऑक्र मतलब मिडल में एक चीज़ मिल जाती है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है ओके okay. तो बेसिक पैकेज में आपने प्रो डिस्क्राइब करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मैं आपको एक कवर फ़ोटो या एक बैनर डिज़ाइन दूंगा और स्टैंडर्ड के अंदर मैं आपको दो कवर फ़ोटो दूंगा प्रीमियम के अंदर आपको मैं तीन कवर फोटो दूंगा तो आपने बहुत ही जो है एक यूनिक वे में इसको डिस्क्राइब करना है याद रखिएगा आपकी यूनिकनेस ही यहाँ पे काउंट होती है लेकिन कस्टमर को समझ भी आनी चाहिए फिर आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि आप इसमें क्या चीज़ प्रोवाइड करें जैसे कि कर प्रोफेशनली डिज़ाइन फेसबुक कवर फोटो बैनर डिज़ाइन विद लाइसेंस्ड प्रीमियम इमेज ये एक यूनिक वैसे पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे भी ऐड किए कि मैं एक ऐसा बैनर डिज़ाइन दूंगा जिसमें जो मैं पिक्चर यूज़ करूँगा वो परचेस्ड होगी उसका लाइसेंस मेरे पास अवेलेबल होगा बिकॉज आपको पता है इंटरनेट के ऊपर हम कोई भी चीज़ अगर बगैर लाइसेंस के यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इन्फ्रेंचमेंट का केस लग सकता है और आपका जो बायर है या कस्टमर है उसको फिर ट्रबल होगी और वो आप अगर उसको ट्रबल होगी तो इसका मतलब कि आपको भी वो ट्रबल कर सकते हैं सो so, इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं लाइसेंस प्रीमियम इमेज यूज़ करूँगा ओके okay. इसी तरह जहाँ पे दो मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे दो सोशल मीडिया मैंने बता दिया जहाँ पे मैंने थ्री बताया तीन उसको कवर दे रहा हूँ प्रीमियम के अंदर मैंने उसको थ्री की डिस्क्रिप्शन बता दी अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है डिलीवरी टाइम ओके एक मेरे पास जो कवर फोटो है उसका डिलीवरी टाइम वन डे है जो टू कवर फ़ोटो है उसका भी डिलीवरी टाइम वन डे है और जो मेरे पास थ्री कवर डिज़ाइन हो गए मैं उसको टू डेज़ पे कर दूंगा इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ ओके okay. यहाँ पर रिविज बिकॉज अभी आप लोग एक बिगिनर हैं अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए आपने जो उसकी रिविजन है वो अनलिमिटेड ही करनी है ताकि वो मल्टीपल रिविज करवा ले तो कोशिश कीजिएगा कि अपने कस्टमर को बहुत ही यूनिक तरीके से आप उसको डील करें और उसको प्रॉपर टाइम दें उसको प्रॉपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको उसको फिल ओके okay. अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जी फिर नेक्स्ट सोर्स फाइल के जो आप डॉक्यूमेंट या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर आप उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करें सोर्स फाइल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो आ, हमारे पास सोर्स फाइल होती है जिसमें हम लोग जिस वर्क स्प्लेस में हम वर्क कर रहे होते हैं तो अगर आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है तो बेसिक के अंदर मैं इसको नहीं प्रोवाइड करना ना स्टैंडर्ड के अंदर बट मैं प्रीमियम के अंदर उसको प्रोवाइड कर रहा, रहा हूँ अब इसकी रीज़न क्या है इसकी रीज़न ये है कि कस्टमर देखते हैं इसमें यार ये सोर्स फाइल भी प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों ना मुझे प्रीमियम पैकेज ही मैं चूज़ कर लूँ एक तो मुझे थ्री बैनर्स भी मिल जाएंगे अगर उसकी डिमांड आप अनलेस कि उसकी एक हो तो वो डेफ़िनेटली फिर इसी को चूज़ करेगा तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने सोर्स फाइल क्यों नहीं ऐड की और यहाँ पर मैंने टू डेज़ डिलीवरी टाइम क्यों लिखा था ओके okay. जब हम लोग यहाँ पे टू डेज डिलीवरी टाइम लिखते हैं तो उसका रीज़न uh, ये होता है कि इसका मतलब कि 48 एट आवर्स के अंदर इसको डिलीवरी uh, मैं प्रोवाइड करूँगा बट अगर किसी कस्टमर को डिलीवरी जल्दी चाहिए हुई जैसे कि एक कस्टमर है उसको फेसबुक बैनर बनवाने हैं तीन बैनर बनवाने बट उसको आज ही चाहिए विद इन ट्वेंटी फोर आवर तो यहाँ पर गिग एक्स्ट्रा के अंदर आके वो क्या कर सकता है यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है ऐड करने के बाद अब वो टेन डॉलर एक्स्ट्रा पे करेगा या मैं जितनी प्राइस रखूँगा वो उसको एक्स्ट्रा पे करके सो so अपना जो है टाइम लिमिट को वो कम कर, करवा सकता है और मिनिमम टाइम लिमिट जो है वो वन डे होती है तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है तो वन डे लिमिट के साथ आप लोगों ने काम ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल uh, यूज़ के जो आप फेसबुक बैनर बना के दे रहे हैं क्या उसको कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है डेफिनेटली अगर आप किसी को क्रिएटिव वर्क दे रहे हैं तो वो अपनी वेबसाइट पे अपने जहाँ पर चाहे वो उसको यूज़ कर सकता है फिर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका प्राइस फैक्टर ये प्राइस फैक्टर ही सब कुछ है कस्टमर के लिए आल दो यहाँ पर पैकेजेस सेलेक्ट करने में उसको ईजीनेस होती है बस प्राइस जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ आप लगा लेंगे नाइन्टी परसेंट आपकी जो है प्राइसिंग की बेसिस पे ही आपको ऑर्डर मिलते हैं तो प्राइस आपकी अगर क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आप अपनी ऐसे प्राइस रखें जो आपकी वर्थेबल हो वैसे मिनिमम फाइव डॉलर होती है बट बिकॉज मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपर लेवल पे लेके चल रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास जो एक टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे स्किल के अंदर प्रॉपर मेरी जो ग्रिप है तो मैं यहाँ पर उसको मिनिमम टेन डॉलर रख रहा हूँ इसी तरह अगर मैं एक बैनर दे रहा हूँ टेन डॉलर के अंदर तो अब दो बैनर बनते हैं फिफ्टी ट्वेंटी डॉलर के अंदर तो मैं उसको एक डिस्काउंट दे रहा हूँ फिफ्टीन के अंदर जिसके अकॉर्डिंगली उसको एक जो बैनर है वो सेवन पॉइंट फाइव डॉलर का पड़ेगा इसी तरह अगर मैं थ्री बैनर्स बनते हैं मेरे पास थर्टी डॉलर के तो अब मैंने जो थ्री जो मेरे पास प्रीमियम पैकेज की प्राइस है या थ्री जो बैनर्स हैं उनकी प्राइस पर बैनर सेवन पॉइंट फाइव से कम होनी चाहिए आलमोस्ट सिक्स या फाइव तो मैं उसके लिए अब क्या करूँगा यहाँ पर Uh, अपनी प्राइसिंग को चेक करूंगा और प्राइसिंग को डिवाइड करूंगा थ्री पे या फोर पे आपने अपनी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर देना है और उसके बाद मैंने बता दिया कि ट्वेंटी डॉलर के अंदर मैं आपको प्रीमियम पैकेज दूंगा अब डेफ़िनेटली अगर उसको टेन में एक मिल रहा है फिफ्टीन में दो मिल रहे हैं और ट्वेंटी में उसको तीन बैनर मिल रहे हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपका Uh, जो है प्रीमियम पैकेज तो वो इसको बाय कर लेगा तो ये कुछ सेलर uh, की स्ट्रेटजीज होती हैं जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा uh, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद हमने क्योंकि प्रीमियम पैकेज की uh, जो डिलीवरी टाइम है वो टू uh, डेज़ किया हुआ है तो अगर यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी और ये बता रहा है कि किस में आपने ऐड करना है अपने प्रीमियम पैकेज में कि अगर किसी को वन डे में चाहिए हो तीन महनर तो वो मुझे कोई मसला नहीं टेन डॉलर एक्स्ट्रा पे कर दें एंड दैट्स सेट यहाँ पर आप इसको सेव कर दें अब ये हो गया आपकी ओवरऑल प्राइसिंग टैग अब एक और इम्पॉटेंट फैक्टर जो है हमारे पास आपकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन uh, में या आपकी सेल को सॉरी uh, आपकी जो सर्च uh, रिजल्ट में कोई हेल्प नहीं करती ना ही आपकी uh, इसके अंदर कोई कीवर्ड डालने से कोई आपको हेल्प मिलेगी बट डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट क्यों है डिस्क्रिप्शन uh, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ uh, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कस्टमर को आपके कन्वर्ट करने में मतलब अगर कोई कस्टमर आपकी गिग को सर्च करके आपकी गिग को ओपन किया हो, हो उसने और वो डिस्क्रिप्शन हेल्प करती है कि वो आपके कन्वर्जन रेट को Uh, ज़्यादा करें मतलब कि अगर कोई कस्टमर आपकी गिग पर आ गया तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के वो आपको ऑर्डर दे तो डिस्क्रिप्शन में हमने कस्टमर को कन्वेंस करना होता है कि आप उसकी जो uh, गिग को है वो परचेज़ करें तो इट्स मीन दैट कि गिग डिस्क्रिप्शन का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एक्सेप्ट फ्रॉम द कीवर्ड फ्रॉम द टाइटल इन सब के अलावा आपके पास जो गिग डिस्क्रिप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ़र्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डिस्क्रिप्शन के लिए आ, तो उसके लिए सबसे पहले है कि आपके पास जो कस्टमर आए तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि जिससे उसकी अटेंशन आपकी गिग की तरफ हो जाए बिकॉज हम लोगों ने उसकी अटेंशन ग्रैप करनी है जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया है कि आई एम अ प्रोफेशनल क्रिएटिव फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर वेलकम टू माई गिग एक अटेंशन मैंने उसकी ग्रैप की है और मैंने उसमें बता दिया कि मैं प्रोफेशनल क्रिएटिव एंड अमेजिंग बैनर एड डिज़ाइन करूँगा जो कि आपकी आ, सेल को बूस्ट करेगा ये मैंने उसका अटेंशन के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी गेन कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको अटेंशन करवाया कि मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूं सेकेंड मैंने उसको बता दिया कि मैं आपके लिए क्रिएटिव और अमेजिंग बैनर डिज़ाइन करूँगा जो आपकी सेल को बूस्ट करेगा डेफिनेटली अगर वो सेल से रिलेटेड काम करने के लिए आया और कोई भी अपना फेसबुक पेज बनाता है तो वो अपना ऑडियंस को बढ़ाता है या अपना अगर कोई सेलिंग कर रहा है प्रोडक्ट जैसे कि आजकल फेसबुक मार्केटिंग में होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंने उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर बिल्ड कर दिया फिर डिज़ायर कि उसके लिए मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ अब आपका डिज़ायर क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए क्या वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली यस yes. उसमें क्या है आपके पास आई कैन क्रिएट फेसबुक एंड एड बैनर फेसबुक कवर पोस्टर इंस्टाग्राम पोस्टर यूट्यूब मैंने उसको हर चीज़ बता दी कि जो मैं करता हूँ उसके बाद मैंने फ़ीचर बता दिए कि आप क्यों मुझे चूज़ करें बिकॉज मेरे पास मैं हाई रेजोल्यूशन पिक्चर दूंगा आपके पास 100 परसेंट औरिजिनल होगा ट्रांसपेरेंट पी एन जी दूंगा मल्टीपल रिविजन दूँगा सोर्स फाइल भी प्रोवाइड करूंगा स्पीडी डिलीवरी है अनलिमिटेड रिविजन हैं उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इनबॉक्स में उसके बारे में बात भी कर सकते हैं तो अटेंशन भी कस्टमर की आ गई इंटरेस्ट भी आ गया उसका डिज़ायर भी क्रिएट कर लिया अब एट दी एंड क्या चीज़ रहेगी कॉल टू एक्शन विच इज़ प्लेस योर ऑर्डर नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉल टू एक्शन करना कि इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर वो केक के अंदर आपके रीड कर रहा है कस्टमर तो आप क्या करें कि सिंपली उसको कॉल टू एक्शन पे लें और उसको कहें कि अपना जो है वो ऑर्डर प्लेस करें एंड दैट सेट यहाँ पर आपका कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा तो चार चीज़ें हैं कि आपने अपने कस्टमर को अटेंशन उसकी ग्रैप करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड इंटरेस्ट बताना है क्या उसका इंटरेस्ट बिल्ड करना है कि क्या चीज़ प्रोवाइड करने लगे हैं डिज़ायर अपने फीचर्स बताने हैं एंड फोर कॉल टू एक्शन और उसको फोर्स करना है डिस्क्रिप्शन के थ्रू कि आप प्लीज़ प्लेस योर ऑर्डर ठीक है सो ये है आपके पास फाइबर की गिग की डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट इसको सेव करने के बाद हमारे पास आते हैं जी रिक्वायरमेंट सेक्शन ओके सॉरी यहाँ पर एक ओके uh, okay, इसको चेक करते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड अब आपने अपने कस्टमर को बताना है कि उसका काम करने के लिए बिकॉज डेफ़िनेटली आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं और उसने ऑर्डर प्लेस करना है तो आपसे उससे उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ आप पर यहीं पर पूछ लेनी है ताकि फर्दर अगर माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको बता सकें कि मैंने आपसे रिक्वायरमेंट्स ली थी और मैंने इसके अकॉर्डिंगली काम किया था और ये हेल्प करता है कि आप अपना जो क्रिएटिव जो है वो टाइटल या बैनर या हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो और उस काम को आप क्रिएटिविटी से कर सकें तो आपने उससे प्रॉपर डिटेल ले लेनी है और उसके बाद अपने को जितने आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे डिस्प्ले करना ताकि कस्टमर उसको फिलअप कर दे और प्रॉब्लम ना हो आपके गिक के अंदर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आपके पास गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैची होनी चाहिए सेकेंड थिंग उसको रीडेबल होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पिक्चर बनाने लगे हैं वैसे आप जहाँ पर जाकर डिफरेंट जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनको देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे पिक्चर्स पहले ही बनी हुई हैं तो अगर तो आप एक डिज़ाइनर है तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है ये चीज़ें बनाने के लिए बट अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसको नहीं पता कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं या अगर वो राइटर या डेवलपर का, का काम कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन हमारे पास एक एडिटर है जिसको हम कहते हैं जी कैनवा ठीक है ये हमारे पास कैनवा डॉट काम के अंदर है इसके अंदर जाके आप अपनी पिक्चर्स को जो है डेवलप कर सकते हैं जैसे कि अगर मुझे कोई एक पोस्टर चाहिए फेसबुक पोस्ट चाहिए कुछ भी एक चाहिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करें अपने गिग की पिक्चर को यहाँ से क्रिएट करें और एंड डेट सट आपके पास ये कम्प्लीट हो गया तो आप लोग कैनवा डॉट कॉम पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपनी गिग की जो पिक्चर्स हैं उसको रेडी कर सकते हैं याद रखिएगा गिग के अंदर सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गिग की जो पिक्चर है वो रीडेबल हो सेकंड इफेक्टिव हो थर्ड आपकी पिक्चर यूनिक हो ये आपके तीन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पिक्चर के लिए और एक अच्छी और प्रोफेशनल गिग बनाने के लिए उसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि आपकी गैलरी के अंदर जैसे अगर आप लोग वीडियो ऐड करें तो वेल एंड गुड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो अगर आप ऐड करते हैं अपनी गिग के अंदर तो ये क्या करता है कि कस्टमर कन्वर्ट करने में ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपको बिकॉज वीडियो के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके कस्टमर का ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये काम ये औरिजिनली करता है और आप वीडियो के थ्रू मल्टीपल वेरिएशन भी दिखा सकते हैं फिर आप अपना डॉक्यूमेंट है कोई आप वहाँ वो भी अपलोड कर सकते हैं जैसे कि अगर आप इमेज एडिटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं डिज़ाइनर हैं तो आप डिज़ाइनिंग का कोई डॉक्यूमेंट बना के अच्छा सा वो डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आप राइटर हैं तो आप अपना राइटिंग का जो काम है वो यहाँ पर डॉक्यू पी डी के अंदर कर सकते हैं अपलोड अगर आप डिवेलपर हैं आप स्क्रीन शॉट्स उनका पी बना के यहाँ पर कर सकते हैं तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है और डेट्स एड यही वो फैक्टर्स हैं जो आपकी एक प्रोफेशनली गिग क्रिएट करने के लिए या एक प्रोफेशनल गिग को क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं सो अभी के लिए इतना ही नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इस गिग को प्रमोट कैसे किया जाता है कैसे हम गिग की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और ये सब फैक्टर्स हम लोग इसके अंदर देखेंगे